जैसे ही मेवाड़नाथ मंत्रणा से मुक्त हो जाए इनको उनके सामने प्रस्तुत कर दो, वही निर्णय करेंगे इनका क्या करना है। आप दोनों को क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। यदि आप दोनों हमारी सहायता करेंगे तो हम आप दोनों को अधिक धनिक बना देंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है दामोदर। दाम क्या? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हुकुम के सामने प्रस्तुत किया जाए। लगता है इनके सिर पर गहरी चोट लगी, इसीलिए देखो स्वयं को राजा समझो। समझे जा रहा है तो क्या अर्थ? हम राजा नहीं है। हमारा नाम क्या बताया आपने? दामोदर। दामोदर माथा घूम रहा है। राव सुल्तान को हम बूंदी में जाकर मारेंगे। बहुत दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम उस राव सुल्तान को। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे हम बूंदी पर आक्रमण करके राव सुल्तान को पुनः पकड़ लेंगे। किंतु राणा जी इस समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका शीघ्र स्वस्थ होना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है राणा जी कि आप एकांत में निश्चिंत होकर विश्राम करें। खम्मा घड़ी राणा जी। सुनो जी, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। राणा जी विश्राम कर रहे हैं। जी हुकुम। लगता है तुमको कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शहद बहुत लजीज है। सुनो ऐसे ही शहद का इंतजाम हमारी पूरी फौज के लिए करो। जा सकते हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर एक वीर बच्चा हमारी छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। और सुनो जाकर हुजूर बैरम खां को इस बात की इत्तला कर दो कि काम हो चुका है और वो किसी भी वक्त यहां पर आकर हथियारों का जायजा ले सकते हैं। जी हुजूर। आजिम। हुजूर का इकबाल बुलंद। हुजूर यही वो भील बच्चा। लगता है कि तुम्हारे खुद खुशी की ख्वाहिश तुम्हें यहां तक खींच लाई है और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट के बतौर तोहफा उन भीलों के पास भेजेंगे ताकि उनको यह पता चले कि मुगलों से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। और हां अगर तुम चाहो तो अपना गला फाड़ फाड़ के अपने उस रैबर प्रताप को बुला सकते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो आता है तुम्हें बचा। बुलाओ उस प्रताप को, बुलाओ। हुजूर रुकिए रुकिए। हुजूर काले खान जी, काले खान। हुजूर हुजूर ये मेरे साथ है। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तुम सारे भीलों को एक साथ आत्महत्या करने की ख्वाहिश जगी है? काले खान जी हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमें ही मार रहे हैं। शरण में मतलब मैं तुझे माफ कर दूं, पनाह दे दूं तुझे? तूने तो हमें उस खतरे से भी आगाह नहीं किया था और तुम्हारा कबीला रातों रात पाला बदल चुका था और तुमने ये खबर भी हमें नहीं दी थी। तुमसे तो बैरम खां वैसे ही खफा है। ये सारा अनाज कुछ वक्त तक तो हमारी फौज के लिए काफी होगा। असला का क्या हाल है? हुजूर हमारे तमाम हथियार आपके हुक्म से गांव की एक महफूज जगह में, आप चाहें तो मुआयना कर सकते। बहुत खूब। फिर भी हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कितना गोला बारूद है हमारे पास। नहीं श्रीमान ये सच नहीं है। आप लोग जंगल में घुसते ही चारों ओर से घिर जाए उससे पहले हमने आपको संकट संदेश दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो?
हाँ हुजूर, ये ठीक कह रहे हैं। याद है आपको उस समय बहुत सारी चिड़िया शोर मचाते हुए आकाश में उड़ी थी। हाँ हुजूर, आपको सावधान करने के लिए उन चिड़ियों को मैंने ही उड़ाया था। खान साहब, मैं तो आपका उसी दिन से भक्त हो गया हूँ जिस दिन बहराम खान जी ने मुझे सोने का हार पहनाया था। मैंने अपने कबीले से आप लोगों को सतर्क करने के लिए बार बार कोशिश की, पर वो प्रताप बार बार मेरे सामने आ जाता था। फिर मुझे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा तो मैंने चिड़ियों के घोंसले पर निशाना लगाकर आप सबको सतर्क करने की कोशिश की कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है। पर पता नहीं उस प्रताप को कैसे पता चल गया, उसने मुझे पकड़ लिया हजूर। और बड़ी कठिनाई से वहां से बाहर निकल कर आया हूं हजूर आपके पास। आप मेरी हालात को समझ सकते हैं क्या? बैरम खान को युद्ध में पराजित कर दिया कुंवर प्रताप ने? हाँ, और उसके बाद भी उनमें इतनी अधिक विनम्रता है कि यदि उनकी इन उपलब्धियों की कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा करता है तो बुरा मान जाते हैं। बाज है बंता, सचमुच विलक्षण है कुंवर प्रताप। ये जो तुम दिन रात बाल गोपाल की पूजा करती हो ना, बस उसी का सुफल है। नहीं, इसमें तुम्हारा भी आशीर्वाद है। क्या बात कर रही हो, हमारा कौन सा आशीर्वाद? अरे हम तो अभी तक उनसे मिले तक नहीं है। नत्था, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, काबिले तारीफ, लेकिन तुम्हारे इस पूरी कहानी के किसी भी किरदार में इस लड़के का किरदार कहीं भी मुपेत नहीं है। ये मेरा भाई है शर्मान, अगर मैं इसे जंगल में छोड़ा था तो कबीले वाले इसे जान से मार देते, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ हजूर। तुम्हारे कितने भाई हैं नत्था? एक, एक हजूर। अपनी याददाश्त दुरुस्त करके बताओगे तुम्हारे कितने भाई हैं? एक हजूर। कितना बेवकूफ समझते हो हमें? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है और हमारे दिमाग में भूसा भरा है? ये याद है तुम्हें? हाँ, याद आया। ये तो वही भेंट है ना जो हमने तुम्हें दी जब हम दोनों बिछड़ रहे थे, है ना? हाँ, और तब तुमने कहा था कि तुम एक शूरवीर योद्धा को जन्म दोगी। इतने बड़े शूरवीर, मेवाड़ के भविष्य, उनका श्रेय तुम हमें दे रहे हो जयवंत। तुमने हमें इतनी अनुभूति दे दी अपने प्रेम से कि हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे इस छोटे से उपहार को तुमने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा। किसी को ये छोटा सा उपहार लगता है, लेकिन जब हम इसे अपने पास रखते हैं हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हमारे कुंवर प्रताप जहां भी है सुरक्षित है। लात मार रहा है कुंवर प्रताप। क्या बात हो गई हजूर, आप मुझसे इतना क्यों खफा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। हाँ, तो फिर वो कौन? हमने अब यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं हुआ। शांत हो जाओ हंसा,
ये मूर्ति हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे हमने कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए विश्वास का एक प्रतीक मान लिया था। ये प्रतीक था हमारे इस विश्वास का कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है। तो अब ये मूर्ति टूट गई है लेकिन हमारा विश्वास कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है अभी भी अखंडित है हमारे मन में। हमारे मन का विश्वास दृढ़ है, चाहे जहां जहां भी कुंवर प्रताप से कुशल है। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है? एक ही भाई है तुम्हारा, तो फिर ये दो कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के भी साथ मुगलों के फौजी छावनी में घुस जाओगे? तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मैं हुजूर बैरम खां का मौत मिदा खास होने से पहले एक पेशेवर कातिल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक पेशेवर कातिल जिसका पेशा ही होता है लोगों को जान से मार देना, और मैंने न जाने कितने लोगों की जानें ली, और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है लोगों को जान से मार। और ये जो मेरा धारदार खंजर है, जब किसी इंसान के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुसता है और फिर उस शख्स के तड़फड़ाते हुए शरीर से जब उसकी जान निकलती है, तो यकीन करो मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो तुमने मुझे झूठा किस्सा सुनाया है बेखौफ होकर, उसके बिना पे मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने न जाने कितने लोगों को मारा हुआ है। हुजूर, आपकी सेवा में। बहुत लजीज, जा सकते हो। हुकुम। अशरफ जी। हुजूर, काले खान कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आया। हुजूर आला, काले खान साहब हमारे हथियारों को रखवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। अच्छा, अशरफ तुम जाओ और देखो कि ये नामुराद गांव वाले कितने चूहे इकट्ठे कर पाए, और हमें खबर कर दो। जाओ। जी हुजूर। ऐसी बोलती हमें सचमुच खेद, हमें खेद। हुजूर आप भूल रहे हैं,
हम सब सचमुच इनके भाई हैं। ये क्या बेहूदगी है? देखिए, अभी अभी नत्था भाई ने आपसे क्या कहा था कि उनका एक ही भाई है। वे झूठ नहीं कह रहे थे हुजूर, किंतु ये भी सच है कि भले ही हम शरीर में चार हैं, किंतु प्राण प्राण एक ही है हुजूर। हम भील भाइयों में ऐसा ही प्रेम होता है हुजूर। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है हुजूर। हम तो वनों में विचरण करने वाले विनम्र और निर्धन लोग हैं हुजूर। यदि हम भाइयों की भांति नहीं रहेंगे तो आप जैसे कठोर लोग हमें सरलता से मार देंगे। इसीलिए सत्ता और पत्ता यहाँ पर आए हैं। हाँ, अगर आप नत्था को मारना चाहते हैं तो हमें भी मार दीजिए। हाँ, मार दीजिए हम सबको। हाँ, हमें भी मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए। राव सुल्तान सिंह, तुमको क्या लगा कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम इतनी सरलता से हमारे खेमे में घुसकर हमें मार डालोगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी भूल की है तुमने राव सुल्तान सिंह। क्षमा क्षमा कर दीजिए। नहीं राव सुल्तान सिंह, अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्वारपाल, 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 आपने तो मात्र एक सपना देखा है बेरा, और जानती हैं क्यों? क्योंकि अभी अभी सोने से पहले जीजा ने बताया था कि युद्ध पे जाने से पहले राणा जी ने उन्हें मेवाड़ के राजकोष सहित हम सबको वहां से जाने के लिए कहा था। इसलिए हमारे सपने से जीजा का क्या लेना देना? ये सपना हमारे और राणा जी के अतिरिक्त आत्मीय संबंध की संवेदना से आया है। अच्छा, ये आपको कब से होने लगा? हमेशा से। अंतर सिर्फ इतना है कि जीजा की भांति हम ढिंढोरा नहीं पीटते, पर पूर्व आभास तो राणा जी के लिए हमें भी सदा से आया है। इसलिए सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इस समय हमें तो ये सोचना चाहिए कि राणा जी की कुशल क्षेम के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। कैसे होंगे राणा जी, कहाँ हो, कैसे पता लगाए हम? शांत जाइए बहना, वैसे भी अब आप क्या करेंगी? कोई ना कोई मार्ग तो हम जरूर ढूंढेंगे। पता तो लगाएंगे हम कि राणा जी कैसे। द्वारपाल, कौन हो तुम और हमारे बुलाने पर अंदर क्यों नहीं आए? आप भीतर थे इसलिए हम भीतर नहीं आए, फिर आप बाहर आए तो हम भीतर आ गए क्योंकि आप भीतर नहीं थे। कि जब हम बाहर गए तो तुम अंदर क्यों आए? अब से डर गए थे इसलिए आप भीतर थे तो हम भीतर नहीं आ पाए, बाहर गए तो भीतर आए। क्षमा कीजिए, अब आपसे भयभीत हो जाते। जाइए और शीघ्र हमारे लिए पानी लेकर आइए। रुको, रुको।
हो तुम? नए हो क्या? क्योंकि आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। हुकुम, हम तो बहुत पुराने द्वारपाल हैं हुकुम, किंतु आप हमें नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि राजवेद जी का कहना है कि आपको गहरा घाव लगा है, उस कारण अब कुछ दिनों तक किसी के भी मुख पहचान नहीं पाएंगे। हुकुम, घाव यहाँ लगा है, असर यहाँ हुआ है। हुकुम जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अब भी तुम पे यकीन नहीं है तो? हुजूर, आप हम पर विश्वास कीजिए, आपको हमें मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम सब जीवित रहेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है हमसे, सोच कर देखिए। क्या हो रहा है? सुस्ता रहे हो तुम लोग? हमारा दिल अपने हथियार की धार से किसी की बोटी बोटी करने को बेताब हो रहा है। जी चाहता है इसी वक्त मार दे किसी को। प्रताप, जाने वो प्रताप कब हमारी गिरफ्त में आएगा?